हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमोनिया एक्सरे। ओके, तो इससे पहले हम जानते हैं, देखिए न्यूमोनिया होता क्या है। तो इन केस ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के केस में देखिए, जो लंग्स की एल्वोलाई होती हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है पस अलोंग विद द बैक्टीरिया, या इसको बोल सकते हैं WBC। WBC वगैरह यहां पर देखिए, ये एल्वोलाई है, यहां पर WBC, पस, बैक्टीरिया यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब देखिए एक्सरे में यहाँ पर दो शेडो नजर आ रही हैं, जैसे कि वाइट एंड ब्लैक। ये वाइट वाइट एंड ब्लैक। अब ये देखिए क्या कंसेप्ट होता है वाइट एंड ब्लैक शेडो का। अगर एक्सरे अगर पास हो रही है ईयर फिल्ड लंग से, तो शेडो दिखाई देगी वहां पर ब्लैक। जबकि ये एक्सरे पास हो रही है डेंस मटेरियल जैसे कि बोन, मेटल या ब्लड, पस एंड वाटर, तो शेडो दिखाई पड़ेगी वाइट। आइए इसको जानते हैं। अब ये मेरे पास एक नॉर्मल एक्सरे, जबकि ये न्यूमोनिया का केस है। ओके, अब नॉर्मल एक्सरे में देखिए, यहाँ पर ये पूरा लंग जो है कैसा दिखाई पड़ रहा है, पूरा लंग ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ फिल्ड है ईयर। अब इन केस ऑफ न्यूमोनिया, ये एक्सरे मेरे पास न्यूमोनिया का केस है। अब इस केस में हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये जगह जो है वाइट दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ, जो एल्वोलाई है लंग की, यहाँ पर पस या बैक्टीरिया भरा पड़ा है। अब इसकी वजह से ये कैसा हो गया यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो जैसे ही एक्सरे यहाँ पर आई, तो इसने कलर कैसा दिया, वाइट कलर दिया। ओके, ये पहचान होती है न्यूमोनिया एक्सरे की। तो ये पहचान है, देखिएगा, न्यूमोनिया एक्सरे, ये नॉर्मल एक्सरे है मेरे पास। ओके, थैंक यू।